सर्वेभ्यो नमो नमो भवताम सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आज हम एमए पूर्वार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र काव्य नाटक एवं साहित्य शास्त्र के अंतर्गत संकलित पुस्तक श्रीमद् विश्वनाथ कविराज प्रणीतम साहित्य दर्पण के बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त करेंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम विश्वनाथ कविराज के सामान्य परिचय, उनकी कृतियां और उन कृतियों के बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त करेंगे जो कृतियां श्रीमद् विश्वनाथ कविराज के द्वारा उपलब्ध होती है। सबसे पहले हम विश्वनाथ कविराज एक परिचय के रूप में इनका अध्ययन करते हैं। साहित्य दर्पण के रचयिता विश्वनाथ कविराज का समय 13वीं से 14वीं शताब्दी माना जाता है। साहित्य दर्पण के चतुर्थ परिच्छेद में स्फुट गुणीभूत व्यंग्य के उदाहरण में एक पद्य उपलब्ध होता है जिसमें बताया है कि संधो सर्वसवहरणम विग्रह प्राण निग्रह अल्लावदीन नरप्रतोह न संधिर्ण च विग्रह। अर्थात अल्लाउद्दीन यानी अल्लाउद्दीन नामक यवनराज के साथ संधि करने पर संपूर्ण धन का हरण होता है, युद्ध करने पर प्राणों का नाश होता है, उसके साथ न तो संधि ही और न ही युद्ध ठीक है। इस पद्य के उद्धरण से यह तो निश्चित प्रमाणित होता है कि विश्वनाथ कविराज का समय अल्लाउद्दीन खिलजी से पूर्व का नहीं हो सकता है। अल्लाउद्दीन खिलजी का समय 1296 से 1316 ईस्वी माना जाता है। विश्वनाथ का भी समय इस प्रकार से 13वीं से 14वीं शताब्दी निश्चित किया जा सकता है। इस उल्लेखित श्लोक के द्वारा विद्वानों ने कविराज विश्वनाथ का समय 13वीं से 14वीं शताब्दी माना है। विश्वनाथ जी स्वयं शांति विग्रह और महापात्र थे, इसकी प्रतीति साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद की समाप्ति पर विद्यमान परिचयात्मक रूप में मिलती है। जो काव्य स्वरूप निरूपण नामक जो प्रथम परिच्छेद है उसके समाप्ति पर जब विश्वनाथ ने अपना परिचय दिया तो वहां पर उन्होंने अब स्वयं को शांति विग्रह को महापात्र माना है। इस परिचयात्मक विरुद्ध में उनके प्रपितामह श्री मन नारायण के विषय में भी पता लगता है। इनके प्रपितामह श्री मन नारायण साहित्य शास्त्र के उद्भट विद्वान तथा साहित्य शास्त्र के प्रणेता थे। संभवतः विश्वनाथ कविराज ने अपने प्रपितामह श्री मन नारायण के चरणों में बैठकर ही साहित्य शास्त्र का अध्ययन किया है। विश्वनाथ जी ने साहित्य दर्पण में रस के स्वरूप तथा रसास्वादन के प्रकरण में अपने प्रपितामह का श्रवण किया है। श्री मन नारायण जो विश्वनाथ कविराज के प्रपितामह है रसों में चमत्कार को ही सार मानते हैं। उन्होंने केवल अद्भुत रस को ही सर्वत्र माना है। वे सहृदय गोष्ठी गरिष्ठ और कवि पंडितों में मुख्य हैं। श्री कविराज विश्वनाथ साहित्य रूपी सागर के कर्णधार हैं, धवनी प्रस्थान परम आचार्य हैं। इनकी उपाधि कवि सुक्ति रत्नाकर और अष्टादश भाषा भार विलासिनी भुजंग है। अर्थात इन्हें 18 भाषाओं पर आधिपत्य किया हुआ है। अर्थात इनको 18 भाषाओं का पूर्ण ज्ञान है। 16 भाषाओं में इन्होंने प्रशस्ति रत्नावली नामक करम्भक काव्य की रचना की थी जिसमें कलिंग नरेश प्रथम और द्वितीय की प्रशस्ति वर्णित है। साहित्य दर्पण की समाप्ति पर जो अंतिम पंक्ति विश्वनाथ कविराज को आलंकारिक का आचार्य बताती है। इस प्रकार विश्वनाथ कविराज कवि और आलंकारिक दोनों हैं। संभवतः कवि पहले और आलंकारिक बाद में हैं। विश्वनाथ कविराज उत्कल निवासी और ब्राह्मण थे। संभवतः इनके पिता और पितामह कलिंग देश के उच्च अधिकारी रहे। विश्वनाथ कविराज
ने काव्य प्रकाश दर्पण, जो काव्य प्रकाश पर एक टीका है, उसमें बताया है कि इनके पूर्वजों का कलिंग देश के अधिपति श्री नरसिंह देव के राज्य में प्रतिष्ठित पदाधिकारी के रूप में रहना प्रतीत होता है। श्री विश्वनाथ कविराज के पिता का नाम चंद्रशेखर था। इन्होंने अपने पिता के नाम का उल्लेख बड़े आदर के साथ अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण की समाप्ति पर किया है। विश्वनाथ ने अपने पिता को महापात्र, चतुर्दश भाषा विलासिनी भुजंग, महाकविश्वर और सांदी विग्रह इन विशेषणों से विभूषित किया है। इनमें से महापात्र और सांदी विग्रह पिता और पुत्र श्री चंद्रशेखर, जो विश्वनाथ जी के पिताजी, और स्वयं विश्वनाथ कविराज दोनों ही महापात्र और सांदी विग्रह उपाधि से विभूषित थे। यहाँ पर उल्लेखित सांदी विग्रह उस मंत्री को कहते हैं जो अन्य राजाओं के साथ व्यवहार नीति का निर्णय करें और उनके साथ संधि या विग्रह कराएं। आजकल वर्तमान समय में इन्हें फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर भी कहते हैं। श्री विश्वनाथ के पिता चतुर्दश भाषा विलासिनी भुजंग है, तो स्वयं विश्वनाथ अष्टादश भाषा वार विलासिनी भुजंग है। इनका पिता महाकविश्वर है, तो ये स्वयं कवि सुक्त रत्नाकर है। कविराज विश्वनाथ के पिता श्री चंद्रशेखर ने पुष्पमाला नामक एक नाटक की भी रचना की थी। इस प्रकार चंद्रशेखर जो विश्वनाथ जी के पिताजी कवि ने नाटककार भी हैं। आचार्य विश्वनाथ कविराज की कृतियों के बारे में देखते हैं। विश्वनाथ कविराज की वर्तमान में उपलब्ध होने वाली कृति साहित्य दर्पण है। ये अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है। अपने गुणों के कारण इसने पर्याप्त प्रतिष्ठा, प्रचार तथा प्रसिद्धि पाई। संस्कृत साहित्य में अलंकार शास्त्र की अपनी एक विशिष्ट परंपरा रही है और उस अलंकार शास्त्र की परंपरा में साहित्य दर्पण का अपना विशिष्ट स्थान है। अलंकार शास्त्र अथवा साहित्य शास्त्र के सभी विषयों का विशद एवं सांगोपांग वर्णन इस अकेले ही ग्रंथ में मिल जाता है, जिससे साहित्य शास्त्र का अध्ययन करने वाले विद्वानों के लिए इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। इसकी भाषा सरल, मनोहर एवं प्रांजल है। विषय प्रतिपादन की शैली अनूठी है। साहित्य दर्पण के रचयिता विश्वनाथ कविराज के सुपुत्र श्री अनंतदास जी की साहित्य दर्पण के विषय में कही गई निम्न उक्ति सर्वथा सत्य प्रतीत होती है। वे बताते हैं साहित्य दर्पण की विशेषता को उल्लेखित कर क्या करें अनंतदास जी। स्व अल्प अक्षर सुबोधा अर्थ प्रद्वस्ताद शेष दूषण साहित्य दर्पण नाम ग्रंथ। अर्थात यह साहित्य दर्पण अलंकार शास्त्र के विशाल वाङ्मय को थोड़े से शब्दों में स्पष्ट कर देने वाला है। इसके अंदर प्रतिपादित विषय आसानी से हृदयगम हो जाने वाला और संपूर्ण दोषों से रहित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस साहित्य दर्पण के अध्ययन से काव्य शास्त्र के सभी अंगों का विशद ज्ञान अल्प परिश्रम से ही हो जाता है। हो सकता है किसी को इसमें प्रौढ़ता के दर्शन न हो, पर इसकी लोकप्रियता असंदिग्ध है। साहित्य दर्पण की अपनी एक प्रमुख विशेषता है, इसमें काव्य संबंधी सभी विषयों का प्रतिपादन हुआ है। इस साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद है, जिसमें नाट्यशास्त्र सहित सभी काव्य शास्त्रीय विषयों का विवेचन हुआ है। विश्वनाथ ने अपने इस ग्रंथ के अंतर अपनी अन्य कृतियों से भी उद्धरण दिए हैं, जिससे उनकी अन्य रचनाओं का ज्ञान होता है। इस ग्रंथ का प्रारंभ काव्य की परिभाषा वाक्यम रसात्मक काव्यम से होता है। इन्होंने रस को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। इस दृष्टि से काव्यशास्त्र के प्रमुख 5 संप्रदायों में विश्वनाथ जी रस संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने अपने इस ग्रंथ में निम्न विषयों का समाहित कर 10 परिच्छेद में इस ग्रंथ को निबद्ध किया है। काव्य क्या है, काव्य का स्वरूप क्या है और काव्य की आत्मा क्या है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना इन तीनों शब्द शक्तियों का विशद विवेचन किया है। व्यंजना वृत्ति का विस्तृत विवेचन 5 परिच्छेद में उपलब्ध होता है। रस, ध्वनि, काव्य दोष, काव्य गुण तथा रीति का भिन्न भिन्न परिच्छेदों में आवश्यक ऊहापोह के साथ व्याख्यान किया है। 10 परिच्छेद में केवल मात्र अलंकारों का वर्णन है।
इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं साहित्य दर्पण में विश्वनाथ के द्वारा उदित उद्गरणों से विश्वनाथ कविराज की जो कृतियां, उसमें पहली प्रभावती प्रणय, चंद्रकला, कुवलयास चरित्र, राघव विलास और प्रशस्ति रत्नावली, इन पांच काव्यों की इन्होंने रचना की थी। इनमें से प्रथम दो संघार प्रदान नाटिकाएं हैं। कुवलयास चरित्र जो प्रभावती प्रणय और चंद्रकला संघार प्रदान नाटिकाएं हैं। कुवलयास चरित्र प्राकृत भाषा में निबद्ध काव्य है। राघव विलास महाकाव्य और प्रशस्ति रत्नावली 16 भाषाओं में उपनिबद्ध कर्मबक है। इन पांच रचनाओं के अतिरिक्त अनंत दास द्वारा संकेतिक विजय नरसिंह नामक काव्य को ऐतिहासिक काव्य की संज्ञा दी जाती है। इन कृतियों से भिन्न विश्वनाथ कविराज ने काव्य प्रकाश पर टीका भी लिखी, जिसका नाम काव्य प्रकाश दर्पण है। साहित्य दर्पण को मिलाकर इस प्रकार कविराज विश्वनाथ की 8 कृतियों का पता चलता है। इनमें से साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश दर्पण प्राप्य है, शेष अप्राप्य है। कृतियों पर विवेचन करते हुए यह देखा गया है कि अनेक उद्धरण यथा मम करके दिए हुए, इसे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि संभवतः कविराज विश्वनाथ ने कुछ पद्यों की रचना मुक्तक रूप में भी की हो जिनमें ये उद्धरण दिए गए हो। इस प्रकार साहित्य दर्पण की रचयिता कवि और आलंकारिक दोनों हैं। इनमें कवि पहले और आलंकारिक बाद में है। इस तरह से आज हमने आचार्य विश्वनाथ के बारे में सामान्य जानकारी, उनके समय काल, उनके प्रपितामा पिताजी और उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त किया। धन्यवाद।